डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इस पोइम को बताने वाला हूँ जिसका नाम है द स्विंग। स्विंग होता है झूला। यहाँ पर आपको कुछ झूलों की पिक्चर्स दी गई है और उनके नाम साथ में दिए गए हैं। इस झूले को कहते हैं सीसॉ, जिसमें दो बच्चे आपस में इस झूले को झूलते हैं, एक तरफ बैठता और एक दूसरी तरफ। और दूसरा है स्लाइड, इसमें फिसलन झूला कहते हैं इसको, फिसला जाता है इसमें। और स्विंग है, ये रस्सी का झूला होता है। मैरी गो राउंड, ये भी एक झूला है जिसमें गोल गोल घूमा जाता है। जंगल जिम है, ये इसकी पिक्चर है। अब हम इस पोइम को समझेंगे कि इस पोइम में ये जो बच्चा है अपने बारे में बता रहा है, ये किस तरह से एंजॉय करता है झूले को। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। ओह, आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। पोइट कहता है, पोइट होता है कवि, वो कहता है कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। आपको झूले में, जब हवा में झूला झूलते हैं आप, तो आपको कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, जब आप ऊपर आकाश की तरफ उसमें जाते हैं। ओह, आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मुझे लगता है, आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट। प्लीजेंटेस्ट का मतलब होता है अत्यंत सुखद, आनंद देने वाला, यह एक आनंद देने वाली चीज़ है जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जिसे बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। अप इन द एयर, हवा में जब हम झूले में ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड ओवर द वॉल, और दीवार से भी ऊपर चले जाते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, ये जो बच्चा है वो कहता है कि आई कैन सी सो वाइड, मैं बहुत ज़्यादा क्षेत्र देख पा रहा हूँ, एरिया देख पा रहा हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज, नदियाँ, रिवर्स होती हैं नदियाँ, और ट्रीज होते हैं पेड़। एंड कैटल होते हैं पशु। ऑल ओवर द कंट्री साइड, और ग्रामीण जो भी जगह है, जैसे ये सब पेड़ पौधे और फील्ड्स हैं, नदियां हैं, फील्ड हैं, खेत हैं, वो सब वो देख पा रहा है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जैसे मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो गार्डन है ये हरा नज़र आ रहा है। गार्डन होता है बगीचा, ग्रीन मतलब हरियाली नज़र आती है उसको। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जो छत है वो भी भूरे रंग का उसको दिखाई देता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं फिर से ऊपर हवा में ऊपर की तरफ फ्लाइंग, जैसे उड़ता हुआ उसको फील होता है, महसूस होता है। अप इन द एयर एंड डाउन, इस तरह से वो ऊपर नीचे झूले को झूल रहा है। अप होता है ऊपर और डाउन होता है नीचे। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। सेंटेंसेस कोई भी लाइन होती है। नंबर वन है, देयर आर थ्री स्टैंजास इन दिस पोइम। स्टैंजास होते हैं लाइन्स का ग्रुप, जैसे ये है स्टैंजा, 1, 2, 3, 4 लाइन का स्टैंजा है। फिर दूसरा स्टैंजा है 4 लाइन का, और ये तीसरा स्टैंजा है।
अब इसमें है तीन स्टैंजास। अब दूसरा देखते हैं, ईच स्टैंजा हैज़ फोर लाइन्स। तो हर एक स्टैंजा में फोर लाइन्स है, 1 2 3 4। और नंबर थ्री है, द फर्स्ट लाइन इन ईच स्टैंजा रीम्स विद द थर्ड लाइन, THIRD थर्ड, LINE लाइन। जो पहला रीमिंग वर्ड है फर्स्ट लाइन का, वो थर्ड लाइन से रीम करता है, मतलब उसका जो लय है वो तीसरी लाइन से मैच होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में स्विंग है, बिल्कुल ऐसा ही साउंड आता है थिंग में, वैसे ही दूसरे स्टैंजा में है वॉल, ऑल और ग्रीन, अगेन, इन सब का जो लय है वर्ड्स की वो सेम है, इसलिए इनको रीमिंग वर्ड कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, जो मतलब ये जो तीसरा जो पूछा है आपसे, द फर्स्ट लाइन इन इस स्टैंजा, जो पहली लाइन है वो थर्ड लाइन से मैच होती है, उसका स्टैंजा का जो रीम है, अगेन ग्रीन अगेन। और फिर से बता देता हूँ, स्विंग, थिंग, वॉल, ऑल, ग्रीन अगेन। तो इस तरह से होते हैं रीम। तो आप लिखेंगे थर्ड लाइन, सिर्फ इसमें लिखेंगे आप थर्ड लाइन। चौथा देखिए, द सेकंड लाइन इन ईच स्टैंजा रीम्स विद द फोर्थ लाइन, जो दूसरी लाइन है उसका जो रीमिंग वर्ड है वो फोर्थ लाइन में है। देखिए, ब्लू, डू, वाइट, कंट्री साइड, ब्राउन, डाउन। इस तरह से जो दूसरी लाइन है उसका रिमिंग वर्ड हमें फोर्थ लाइन में मिलता है। दूसरा है, फाइंड ऑल द रिमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पोइम। रिमिंग वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इकट्ठा इनको, आप भी पोइम में पढ़ के आप रिमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। इस तरह से स्विंग मैच होता है तीसरी लाइन से थिंक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है स्विंग थिंक, और आगे मैंने लिखा है ब्लू डू, यहाँ देखिए ब्लू डू। जो पहला है, हमने यहाँ पे देखा कि पहला जो वर्ड है वो तीसरी लाइन से मैच होता है फर्स्ट स्टैंजा का, और जो दूसरा है वो चौथी लाइन से। तो आप इस तरह से जो एंड वाला वर्ड है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, वॉल, ऑल, वाइड, कंट्री साइड, ग्रीन अगेन, ब्राउन, डाउन। इस तरह से आप इन आंसर्स को करेंगे।